जब विज्ञान का सात्विक स्वरूप विध्वंसकारी हो गया तब विज्ञान कहलाया। इसलिए आज का विज्ञान विज्ञान नहीं है, कोई नया ज्ञान नहीं है, विध्वंसकारी विज्ञान है, डिस्ट्रक्टिव साइंस। इस साइंस की हर खोज डिस्ट्रक्शन की ओर जाने वाला है, विध्वंस की ओर जाने वाला है, बर्बादी की ओर लेकर के जाने वाला है। लेकिन यही विज्ञान जब तक धर्म के रूप में था तब तक पृथ्वी से लेकर प्रत्येक जीव के लिए सुरक्षा का विज्ञान था। तो हमारे पुराने शास्त्र गाय के बारे में क्या कहते हैं, गाय के विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं, इस पर एक नजर डालने के बाद मॉडर्न साइंस के ऊपर चलेंगे। हमारे वेदों में बहुत सारे शब्द हैं गौ विज्ञान को लेकर, गाय की महिमा को लेकर, गाय का बखान किया है हमारे वेदों ने। उसमें से एक शुक्त है जो मुझे बहुत पसंद भी है, और उसमें लगभग लगभग गाय का पूरा विज्ञान समाहित है, गाय की पूरी महिमा कम शब्दों में समाहित है। उस वेद शुक्त को गाने के बाद उसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। वेद शुक्तों की व्याख्या इतनी आसान नहीं है, जितनी बार आप व्याख्या करें उतने अर्थ निकलते हैं, इसलिए कोशिश करूंगा कि उससे हम अपने गाय की महिमा को समझ सकें। इसे हम लोग गौ नमस्कार के रूप में भी गाते हैं, नमो गोव्य श्रीमतीभ्य शौर्भ्य च नमो ब्रह्म सुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः। शर्विकां दूधे देवी शर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनीसुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। नमो गोव्य, इसका जो भाव है वह संपूर्ण गौवंश के साथ है, कि मात्र गाय नहीं संपूर्ण गौवंश नमन करने के योग्य है, दूध देने वाली हो या ना देने वाली हो, गाय हो, नंदी हो या उनके बछड़े बछड़ियां हो, पूरा गौवंश जो है वो नमन करने के योग्य है। और नमन भी साधारण रूप में नहीं, श्रीमतीभ्य, जैसे हम अपनी सगी माँ का सम्मान करते हैं, जीवन भर उनको एक आदर के साथ श्रीमती की उपमा के साथ उनको पुकारते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सम्मान संपूर्ण गौवंश को देना चाहिए। नमो गोव्य श्रीमतीभ्य शौर्भ्य एवच, जैसे हमारे लिए सूर्य नारायण है वैसे ही हमारी गौ माँ है। गौ माँ सूर्य की प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि जैसी नहीं, सौरभ्य एवच, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य नारायण है। और इसीलिए गाय सम्मानित है। इस पूरे सौर्य मंडल में अगर आप देख लें तो अकेले सूर्य नारायण हैं जो किसी से कुछ नहीं लेते, ना किसी ग्रहों से कुछ लेते हैं, ना किसी उपग्रह से कुछ लेते हैं, और न ही पूरे सौर्य मंडल के 84 लाख योनियों से या वनस्पतियों से कुछ लेते हैं। विस्फोट के बाद जब से पूरा सौर्य मंडल बना है तब से सतत यदि कोई देने वाला है तो सूर्य नारायण है। सूर्य का प्रकाश पुंज, उसकी ऊर्जाएं अगर ना हो तो शायद संपूर्ण सौर्य मंडल के ग्रह उपग्रह गति विहीन हो जाए और सभी जलकर राख भी हो सकते हैं। सूर्य की ऊष्मा ही है जो सारे ग्रह उपग्रहों को गति देकर के उन्हें जीवंत बनाए हुए हैं, उनको घर्षण से बचाए हुए हैं। और हमारी गाय को उसी सूर्य नारायण का प्रतिनिधि कहा गया है, अर्थात जैसा गुणधर्म सूर्य के पास है
सूक्ष्म रूप में वैसा ही गुणधर्म हमारी गाय के पास है, कभी किसी से कुछ नहीं लेती, जीवन पर्यंत देती देती और केवल देती है। लेकिन चूंकि मनुष्य का जो जन्म है वो माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ में हम माँ के शरीर से 10 अहंकार को ग्रहण करते हैं, इसलिए मनुष्य स्वभाव और जन्म से अहंकारी होता है। इसलिए अहंकार बस हम कहते हैं कि जी हम गौ सेवा करते हैं, गाय की रक्षा करते हैं, गाय को बचाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं। लेकिन गाय तो सूर्य की प्रतिनिधि है, वो किसी से कुछ नहीं लेती। इसको समझने के लिए एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि गाय को हमने अहंकार बस एक रोटी खिलाया तो गाय अप्रत्यक्ष रूप में 10 रोटियों का लाभ हमारे जीवन में घोल देती है। तो क्या लिया, एक दिया आपने, उसने 10 दे दिया आपको, ली क्या? किसी का कर्ज नहीं रखती। इस 84 लाख योनियों में एक ही प्राणी है गाय, एक ही प्राणी है गाय जो किसी का कर्ज नहीं रखती, जैसे सूर्य नारायण नहीं रखते। इसीलिए इस वेद सूक्त में गाय को सूर्य का प्रतिनिधि कहा गया है। हमारे सौर्य मंडल में सूर्य नारायण नमन करने के योग्य हैं, उतना ही नमन हमें अपनी गायों को करना चाहिए, अपनी गौ माता को करना चाहिए। गौ माता के जन्म के बारे में भी इस सूक्त में आगे कहा गया है, नमो ब्रह्म सुताभिश्च। यह जो ब्रह्म ऊर्जा है जिससे संपूर्ण सृष्टि बनी है, सारा सौर्य मंडल जिस प्रकाश पुंज से बना हुआ है, उसी ब्रह्म ऊर्जा की ये पुत्रियां हैं। गाय ऊर्जा की पुत्रियां हैं। कौन सी ऊर्जा? ब्रह्म ऊर्जा, जिससे स्वयं सूर्य नारायण की निर्मिति हुई है, सारे ग्रहों की निर्मिति हुई है, और जितने भी सौर्य मंडल में योनि हैं, वनस्पति हैं, इन सबकी उत्पत्ति जिस ब्रह्म ऊर्जा से हुई है, जिस प्रकाश पुंज से हुई है, उसी प्रकाश पुंज की पुत्रियां यह गाय है। इसलिए पवित्राभ्यो नमो नमः, यह पवित्र प्राणी है, इसलिए इस पवित्र प्राणी को हमें बार बार नमस्कार करना चाहिए। आप संपूर्ण वेद पुराण और जितने भी चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथ हैं सभी को आप एक बार ब्राउज कर लो, सरसरी निगाह से देख लो, आप कहीं भी गाय के बारे में वर्णित नहीं है कि गाय जानवर है। सभी जगह वर्णित है कि गाय प्राणी है। चौपाया होते हुए भी गाय जानवर नहीं है। तिलम न धान्यम पशुओ न गावत, जिस प्रकार से अनाजों में तिल मात्र अनाज नहीं है, उसी प्रकार से चौपाया में गाय पशु नहीं है, यह स्पष्ट है। इसीलिए इस पवित्र गाय को हमें प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए, नमन करना चाहिए। और गाय हमें क्या देती है? देखो, गाय को खुला छोड़ दो, आपसे खाना नहीं मांगती। खाना तो इसलिए हमें देना पड़ता है कि हम उनको बंधन में बांध करके रखते हैं। आप खोल दीजिए, ना तो खाना मांगती है ना पानी मांगती है, जो मिल जाए स्वच्छा से, साफ सुथरी घास, मंडियों की सड़ी हुई सब्जी या हमारे घर से फेंका हुआ कचरा, स्वच्छा से खाती है। और देती हमें क्या है इसके बदले? सर्व काम दूधे देवी। यह देवी मनुष्य जीवन के हर उस काम को कर देती है जिस काम को मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। सर्व तीर्थाभिषेचनी, और मनुष्य अपने पुण्य के लिए दुनिया के जितने तीर्थों का तीर्थाटन
करने को सोचता है लेकिन कर नहीं पाता, गृहस्थी की व्यस्तता में वो कर नहीं पाता, तो उन सारे तीर्थों के पुण्य को गृहस्थी के चरणों में लाकर के कोई रखती है तो गाय रखती है। इसलिए क्या सर्व काम दुधे देवी, आप जो जो काम अपने जीवन का, जो अपने जीवन का अमूल्य काम है नहीं कर सकते, उन सारे कामों को करने की ऊर्जा रखती है गाय। और जिन जिन तीर्थों का तीर्थाटन आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, उन सभी तीर्थों का पुण्य फल हमारी गृहस्थी के चरणों में अगर कोई रख सकती है तो गाय। सर्व काम दूधे देवी सर्व तीर्थाभिषेचनी पावन सुरभि श्रेष्ठ देवी तुभ्यम नमो नमः। इसलिए गाय को सुरभि कहा गया, पवित्र कहा गया, और कहा गया कि बार बार इसका आप नमन करें, कितना भी नमन कर लो कम है। गाय जो कर देती है उसके लिए मनुष्य बदले में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह सूर्य की प्रतिनिधि है, कुछ लेगी नहीं। आप थोड़ा दे दो उस पर एक दो शून्य लगा करके वापस ले देती है, कर्ज नहीं लेती किसी का। यदि समय मिला तो मैं इसकी भी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा कि मनुष्य जीवन में कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसको मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता, स्वयं मनुष्य अपना कार्य नहीं कर सकता, लेकिन गाय हमारे बदले वो कर देती है। अब जो है आगे बात रही कि गाय से हमें प्रत्यक्ष रूप में क्या प्राप्त है और उसके प्रति हमारे वेदों का भाव क्या है। इस विषय को समझने के लिए एक दूसरे शब्द पर चलूंगा, गावो शुमस्य प्रथमस्य भक्ष्य है। गावो या अर्थात गाय से प्राप्त द्रव्य, गाय मूलतः दृश्य रूप में तीन द्रव्य देती है, अदृश्य रूप में गाय से 12 द्रव्य मिलते हैं। दृष्टिगोचर उसमें से तीन है, गोमय, गौमूत्र और क्षीरम, जिसको दूध कहते हैं। हमारे वेदों में गाय के दूध के लिए अलग से एक नाम है क्षीर, क्योंकि दूध कहने से संपूर्ण स्तनधारी के दूध का जो है वो मिल जाता है, किसी भी स्तनधारी का जो दूध है वो दूध कहलाएगा, लेकिन गाय के दूध के लिए अलग से शब्द है क्षीर। तो गाय दृश्य रूप में तीन द्रव्य देती है, क्षीर, गौमूत्र और गोमय, जिसको सेंध कहते हैं आप, गोबर। ये तीनों जो द्रव्य हैं ये गावो कहलाते हैं, यानी गाय से प्राप्त द्रव्य गावो। इस गावो का चरित्र कैसा है इसका विश्लेषण आगे है, सोमस्य अर्थात सोम की तरह, यानी चंद्रमा की तरह। तो गाय से प्राप्त द्रव्यों को अगर समझना है, उसके गुण धर्म को यदि समझना है, तो चंद्रमा को समझना पड़ेगा। चंद्रमा कैसे है, तो चंद्रमा के बारे में हमारे वेद कहते हैं कि चंद्रमा के पास मूलतः तीन गुण हैं, सरलता, सुंदरता और शीतलता। यह सौर्य मंडल के किसी उपग्रह और ग्रह में नहीं है, मात्र चंद्रमा के पास ये तीनों हैं, सरलता, सुंदरता और शीतलता। सरल होना, शीतल होना और सुंदर होना। पूर्णिमा की रात को आप चांद देखो, देखते ही रहने का मन करता है, क्योंकि उनके पास शीतलता सुंदरता दोनों है। कोई भी सुंदर वस्तु यदि शीतल और सरल ना हो तब उसकी सुंदरता नहीं भाती, लेकिन चंद्रमा के पास एक साथ तीनों हैं, और ऐसे ही हमारी गाय के द्रव्य हैं।
इसलिए अथर्ववेद के इस शब्द में कहा है गावो शमस्य, गाय से प्राप्त द्रव्य बिल्कुल चंद्रमा की तरह सरल शीतल और सुंदर है। इतना सरल, इतना सुंदर, इतना शीतल है कि प्रथमस्य भक्ष्य, मनुष्य जब पहली बार अपने मां के गर्भ से बाहर निकलता है तब वह इसका भक्षण कर सकता है। दुनिया का कोई भी ऐसा मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथी का एंटीबायोटिक हो, चाहे आयुर्वेदिक का कोई बायोटिक मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथी का कोई मदर टिंचर हो, किसी भी औषधि को ले लो, मां से निकले हुए शिशु को नहीं दे सकते आप। इसलिए शास्त्रों में वर्णित है कि कोई बच्चा जब अपने मां के गर्भ से बाहर निकलता है तो वह केवल और केवल अपने मां का स्तनपान कर सकता है और कुछ नहीं ले सकता। लेकिन यहीं पर अथर्ववेद कहते हैं प्रथमस्य भक्ष्य, यह गावो प्रथमस्य भक्ष्य है, यानी कोई बच्चा यदि अपनी मां के गर्भ से बाहर निकल रहा है तो उसके उसके मां के दूध के पहले इसका भक्षण करा सकते हो। आप में से बहुत लोग मेडिकल साइंस पढ़े हुए लोग होंगे, यहां पर आप अपने मेडिकल साइंस के सारे पन्नों को खोजना कि उस नवजात शिशु को जो अभी अभी मां के गर्भ से निकला है आप कौन सा ड्रग्स उसको दे सकते हो। यह तो रही शास्त्रोक्त बात। शास्त्रोक्त बातों को लोग कम मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, क्योंकि ये जो मॉडर्न साइंस है ना, जो दिखता है उसी को मानता है, जो नहीं दिखता उसको नहीं मानता। तो ये गौमूत्र, गोमय और क्षीर में ये तीन चीजें दृष्टिगोचर नहीं है, इसके लिए इसको नहीं मानते। तो इस पर हमने परीक्षण करके देखा, अभी तक 2000 से ज्यादा ऐसे शिशुओं पर इसका परीक्षण करके देखा। विशेषकर हमारे गविषित परिवार के जो बच्चे हैं जो स्वतः इसके लिए तैयार हो जाते हैं कि मां के गर्भ से बच्चा निकला और निकलते के साथ साफ सफाई के बाद तुरंत उसको पंचगव्य का सेवन करा दिया और उसके बाद मां का दूध का सेवन कराया। आज वे बच्चे 8-10 साल के हो गए और एक दो नहीं 2000 बच्चे, उनकी प्रतिभा की तुलना आप किसी भी बच्चे से नहीं कर सकते। यहां पर बहुत सारी माताएं हैं, इसलिए विशेषकर माताओं को संबोधित करके मैं कहूंगा कि इस गावों का भक्षण आप उस नवजात शिशु को कैसे कराओगे। तो इसमें सबसे पहली बात है कि गाय होनी चाहिए, काऊ नहीं होनी चाहिए। काऊ अलग जीव है और गाय अलग प्राणी है। समय मिला तो गाय और काऊ का डिफरेंस पर भी बात करूंगा आपसे। जो हमारे भारतीय नस्ल की जो बची हुई 100 प्रजातियां हैं, 350 में 100 प्रजातियां अभी भी बची हुई है। आपके गुजरात की जो 10-12 प्रजातियां थी उसमें से मुझे लगता है 4 प्रजातियां केवल बची हुई है, 6 प्रजातियां तो पूरी खत्म ही हो गई। तो जो प्रजातियां बची हुई है, जो मूल नस्ल वाली जो प्रजातियां हैं, इसमें से किसी भी एक प्रजाति के गाय का गोबर आप ले लेना। गाय का गोबर खाने योग्य है या नहीं है इसका एक परीक्षण है, वो कर लेना। गाय जब गोबर देती है तो आप बाईं हाथ में ले लो, नीचे नहीं करने देना, और उस गोबर को दाहिने हाथ में उलट दो। यदि इसमें गोबर लग गया इसका मतलब वह खाने योग्य नहीं है, और यदि आपने हाथ पलटी की और इसमें गोबर नहीं चिपका तो समझ लो वो भक्षण करने योग्य है, खाने योग्य गोबर है। ऐसे गोबर का एक चम्मच रस निकाल लेना, कपड़े में डाल के ऐंठोगे उसमें से रस निकल जाएगा,
एक चम्मच गोबर का रस, एक चम्मच उसका गौमूत्र, एक चम्मच उसी गैया का दूध, ताजा दूध। एक चम्मच तो गैया कभी भी दूध दे देगी, 24 घंटे में कभी भी जाओगे, प्यार से सहलाओगे, पुचकारोगे, तो उसमें इतना वात्सल्य भरा है कि वो तो दे ही देगी एक चम्मच आपको। अब एक दिन पहले का जमाया हुआ एक चम्मच दही ले लेना और ताजा घी ले लेना, आज का बना हुआ या एक दो दिन पहले का बना हुआ। इन पांचों का मिश्रण कर लेना चीनी मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में और उसको खूब मंथन करना 15 से 20 मिनट तक। मंथन करने के बाद यदि दिन का समय है तो सूर्य के प्रकाश में रख दो 20 मिनट, यदि रात्रि है तो पानी से भरे हुए गर्म पात्र में उसको रख दीजिए ताकि उसमें थोड़ी उष्णता आ जाए और आपस में अच्छे से मिल जाए। यह पंचगव्य बनाने का नियम है, गाय के पांच गव्यों को सम मात्रा में मिश्रित करने का नियम है। इस मिश्रण का 3 बूंद आप बच्चे को नाल काटने के बाद, सफाई होने के बाद मां के दूध के पहले दे दो, पिला दो उसके जीभ पर, मात्र 3 बूंद, और बचा हुआ द्रव्य उस शिशु के मां को पिला दो आप। उस शिशु को कोई वैक्सीनेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन पर्यंत, उस बच्चे को कोई पोलियो ड्रॉप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन 2000 से ज्यादा बच्चों पर हमने परीक्षण किया है आज तक उनको कोई वैक्सीनेशंस नहीं लगा है, कोई पोलियो ड्रॉप नहीं लगने दिया है उनको। यदि आपने यही क्रिया प्रतिदिन 21 दिन तक कर ली तो उस बच्चे का शरीर वज्र की तरह हो जाता है। फिर चाहो तो उस बच्चे को आप धूप में दिन भर सुला दो, लू नहीं लगती, धूप का शरीर पर असर नहीं होता। 2-3 घंटे बारिश में यूं छोड़ दो, बच्चा रोता भी नहीं, खेलता रहता है बारिश में, असर नहीं होता, छींक तक नहीं आती उसको, इतना अधिक प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर में तैयार हो जाता है। जिन बच्चों पर परीक्षण किया है उसमें से अधिकांश बच्चों के दांत 6 से 8 महीने में आ गए हैं और सारे बच्चे 1 साल के पहले दौड़ने लगे हैं और ये सारे बच्चे 15 महीने के बाद पढ़ने लगे हैं, शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। वर्ष में एक बार महासम्मेलन करता हूं मैं भिन्न भिन्न राज्यों में, अपने 6000 जो गवेषित डॉक्टर हैं उनका एक सम्मेलन होता है। इस वर्ष का सम्मेलन तेलंगाना में कर रहा हूं, तेलंगाना के भाग्यनगर में, कभी समय मिले तो आप आइए, वहां पर इन बच्चों को प्रदर्शनी के लिए बुलाता हूं, भारत देश को दिखाने के लिए बुलाता हूं, ये पंचगव्य के बच्चे हैं, आप देख लो। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये बच्चे सामान्यतः बीमार नहीं होते और इनकी याददाश्त शक्ति इतनी ऊंची होती है दोबारा किसी भी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। बहुत सरल है, आप चाहो तो इसका परीक्षण अपने घर में कर लो। यदि प्रतिदिन आप ऐसे पंचगव्य का सेवन करें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आपको सामान्यतः आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं आ सकती, हर व्यक्ति कर सकता है और किसी भी उम्र में किया जा सकता है। जब अभी अभी जन्मा बच्चा इसको ग्रहण कर सकता है तो हम तो बड़े हैं, हमें क्या संशय है। अब यहां पर जो आधुनिक विज्ञान पढ़ने वाले हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, मैं भी वही आधुनिक विज्ञान पढ़ा हूं, मॉडर्न साइंस जो आपने पढ़े, लेकिन जब तक गाय को समझा नहीं मैंने तब तक वैसे ही भावना हमारे मन में भी थी कि गाय तो मलमूत्र देती है और मलमूत्र के बारे में पढ़ा था कि मल हमारे शरीर का वेस्ट सॉलिड मटेरियल है और मूत्र जो है वो लिक्विड वेस्ट मटेरियल है। जब 20 साल पहले काम शुरू किया था
तो कभी कभी डॉक्टरों से, मॉडर्न साइंस के डॉक्टरों से पाला पड़ता था, तो बोलते थे गाय को ये मलमूत्र खिला रहे, इतना अच्छा ही होता तो गाय खुद रख लेती, देती क्यों ये। तो उस समय उनको जवाब देने के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन अब जब इस पूरे विज्ञान को आधुनिक विज्ञान के प्लेटफॉर्म पर बराबर में रख करके जब इसको तुलना हम करते हैं, तब ऐसे लोगों को उत्तर हम दे सकते हैं। संपूर्ण जीव जगत में एक गाय अकेली ऐसी है जो कभी मलमूत्र नहीं देती, मलमूत्र नहीं देती। गाय का गोबर उसका मल नहीं है और गाय का मूत्र उसका यूरिन नहीं है। और इसको आप सिद्ध नहीं कर सकते कि मल है और मूत्र है। इस पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप अपने जीवन में चाहो तो करके देख लेना। और क्यों नहीं देती, इस पर भी आज विस्तार पूर्वक आपसे बात करूंगा। मॉडर्न साइंस कहता है, आधुनिक विज्ञान, कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें उसकी जो सात्विकता है, जो उसमें प्रोटीन या न्यूट्रिशन से आज की भाषा में, वह हमारे शरीर के लिए होता है। इसलिए हमने भोजन किया, हमारा भोजन शरीर में जाकर के विघटित हुआ, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूज हुआ, टूट गया, और उसके बाद उस भोजन में जो न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजें शरीर ने सोख लिया और कुछ छोड़ दिया। इसलिए मल को इस तरह से डिफाइंड किया गया है कि हमारे शरीर के अंदर का वेस्ट सॉलिड मटेरियल, जिसका शरीर में कोई उपयोगिता नहीं है, कोई यूज नहीं है, वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। और यूरिन भी ऐसा ही है, हम जो पानी पीते हैं, पानी में जो मिनरल्स है शरीर ले लेता है और कुछ मिनरल्स को छोड़ देता है, और वह पानी अब हमारे शरीर की जरूरत का नहीं है, पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन यहां गाय के शरीर में कुछ चीजें दूसरी है, ऐसी नहीं होती। तो आप इसकी जांच कैसे करोगे? आप यहां पर जो केमिस्ट्री पढ़े हुए जो लोग हैं, विशेषकर जो पैथोलॉजी के लोग हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि आप एक अपने जीवन में प्रयोग करके देखना कि 24 घंटे में एक गाय को आपने जितना खिलाया और जितना पानी पिलाया, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू आप जांच कर लो। उदाहरण के लिए 10 यूनिट आपने दिया, अब उसका यूनिट कुछ भी रहने दो, कैलोरी में रहने दो या किसी चीज में रहने दो, 10 यूनिट आपने खिलाया उसको, 24 घंटे तक उसका पाचन डाइजेशन सारा कुछ चलेगा, इसके बाद वो निकलेगा बाहर, 3 रूप में निकलेगा। यदि वो नंदी है तो 2 रूप में निकलेगा, गोबर और मूत्र। यदि गाय है तो गोबर, गोमूत्र और छीर। तीनों को आप ले लो, लैब में टेस्ट करके देख लो कि इसमें कितना कुछ है। 10 यूनिट खिलाया है, उसी पैरामीटर पर इसकी जांच कर लो, आप पाओगे कि वो 100 यूनिट दे रही है। ये कहां से आया उसके शरीर में? और यहीं पर अपने शरीर की जांच भी कर लो, 24 घंटा में जो खाया पिया उसका न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कर लो, और फिर पूरा संडास और यूरिन को लैब में जाकर के टेस्ट कर लो, तो देखोगे 90% से ज्यादा हमारे शरीर ने ऑब्जर्व कर लिया और मुश्किल से 10% को छोड़ा है मलमूत्र में। लेकिन गाय क्या कर रही है? 1 यूनिट खा करके 10 से लेकर के 100 यूनिट तक देती है, 10 गुना से लेकर के 100 गुना तक प्रोड्यूस करती है वो। तो आप किस विज्ञान के बलबूते कह सकते हैं कि गाय मल और मूत्र देती है, जबकि वो मल और मूत्र की परिभाषा में फिट नहीं होता। किसी भी जीव में देख लो आप, जो कुछ भी जीव जगत खाएगा, जो निकालेगा, वो मुश्किल से उसका 5% से ज्यादा नहीं होगा, शेष शरीर सोख लेता है। हम शरीर की पोषकता के लिए ही भोजन करते हैं और पानी पीते हैं, इसलिए वो चीजें हमारा शरीर ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ चीजें निकाल देता है। लेकिन गाय के शरीर में दूसरी चीजें हो रही है, ये आया कहां से? और फिर गाय ने अपने लिए क्या लिया उसमें से? इन विषयों को गहराई से जब हम समझेंगे
तभी हमें समझ में आता है कि हमारे हमारे अथर्ववेद ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, गावो शोमस्य प्रथमस्य भक्षक। गाय का गव्य मनुष्य के जीवन में जब जब पहला प्रसंग आए तब तब भक्षण करने योग्य है, यानी गोबर खाने योग्य है, गोमूत्र पीने योग्य है, गाय का क्षीर पीने योग्य है। अथर्ववेद के दूसरे सूक्त में इसकी व्याख्या है, क्यों खाने योग्य है, क्यों पीने योग्य है, क्यों इसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो अथर्ववेद के दूसरे सूक्त में स्पष्ट करते हैं, क्षीरम सर्व औषधि सारम। यह जो गाय का क्षीर है यह सर्व औषधि सारम, सर्व यानी संपूर्ण औषधि, इस पृथ्वी पर जितनी भी औषधियां हैं संपूर्ण औषधियों का सारम, सार है यानी सत्व है, संपूर्ण वनस्पतियों का यह सत्व है, इसलिए हमें इसे खाना चाहिए। क्षीरम सर्व औषधि सारम गौमूत्रे धनवंतरी। और गौमूत्र को कहा गया कि यह तो धनवंतरी है, तो धनवंतरी जी को आप जानते होंगे, नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं धनवंतरी जी को? ज्यादा लोग नहीं जानते। चलो दो मिनट समय लगेगा, धनवंतरी जी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, क्यों मूल में वही है गौमूत्र धनवंतरी। यह सृष्टि जब स्थापित हुई, जब ब्रह्म ऊर्जाओं ने इस सृष्टि को बनाया, तो 84 लाख योनियों की चिकित्सा के लिए स्वयं ब्रह्म ऊर्जा ने एक विज्ञान दिया जिसका नाम है आयुर्वेद। यह विज्ञान अपने शारीरिक पुत्र, शरीर धारण करने वाले पुत्र प्रजापति को दिया, जिनका नाम है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति पहले व्यक्ति हैं धरती पर जिन्होंने ब्रह्म ऊर्जा से आयुर्वेद के स्वर्गीय ज्ञान को धारण किया था, और इस ज्ञान को उन्होंने उस समय के अपने दो जुड़वे बच्चों को दिया था जिनका नाम अश्विनी कुमार है। बड़े भोले भाले बच्चे थे, जैसे ये दो भोले भाले बच्चे यहाँ है ना आपके वरुच में, रवि और प्रणव, ये जुड़वे नहीं है, वो अश्विनी कुमार जुड़वे थे दोनों। उनको इन्होंने ये ज्ञान दे दिया कि आप इस पर जो है एप्लीकेशन का काम शुरू करो। तो अश्विनी कुमार कुमारों यानी दो जुड़वे बच्चे थे, इस धरती के पहले वैद्य चिकित्सक सर्जन हैं जिन्होंने धरती पर आर्टिफिशियल लिम्स की खोज की, इसी आयुर्वेद के ज्ञान से कृत्रिम हाथ पांव और कृत्रिम आंख बनाया है। इतिहास के पन्नों में सुरक्षित है दीदी वो तथ्य। जो लोग दम भरते हैं ना कि हमने कृत्रिम ऑर्गन्स बनाया है, अंग बनाया है, तो आयुर्वेद के उस हिस्से को पढ़ लेना, आपने नहीं सबसे पहले धरती पर अश्विनी कुमारों ने बनाया है, और इसीलिए इंद्र को जलन हुआ था। इंद्र जो हमारे लोक के नहीं दूसरे लोक के राजा थे अधिपति, उनको जलन हुआ कि मृत्यु लोक में ब्रह्मा ने इतना ऊंचा ज्ञान कैसे दे दिया। तो ब्रह्मा है यहां पर, और अश्विनी कुमार के भोलेपन से उन्होंने सारा ज्ञान ले लिया और लेकर के चले गए अपने लोक में। लेकिन कोई भी व्यक्ति या देव अगर मृत्यु लोक से कुछ लेता है तो वह कर्ज का भागीदार होता है, तो उनका सिंहासन खतरे में पड़ गया, तो वह कि वापस करो ये ज्ञान मृत्यु लोक में जाकर के। तो इंद्र को सशरीर आना पड़ा था पृथ्वी पर, और यहां किसी व्यक्ति को ढूंढने लगे कि यह ज्ञान मैं किसको दे दूं, तो पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति मिले धनवंतरी, जिनको इंद्र ने यह सारा ज्ञान वापस दे दिया, ये कह के कि मुझे इस ज्ञान के कर्ज से मुक्त होना है, इसलिए इस ज्ञान को लोक कल्याण के काम में लगा देना। तो धनवंतरी वो हैं जिन्होंने आयुर्वेद के स्वर्गीय ज्ञान को धारण किया था इंद्र से, और इस ज्ञान को ऋषियों को दे दिया लोक कल्याण के लिए, कि आप इस ज्ञान को लेकर के लोक कल्याण का काम करना, यानी इसका एप्लीकेशन सामान्य व्यक्ति के लिए कर देना ताकि मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं। तो वो धनवंतरी जिन्होंने आयुर्वेद को धारण किया था वो कहां बसते हैं?
गौमूत्र धनवंतरी। हम भारतवासियों के पास गौमूत्र है, फिर कौन से ड्रग्स और औषध की जरूरत है? जिस भारत में 2 करोड़ गायें हैं जो धनवंतरी दे रही हैं, फिर भी भारत चिकित्सा के लिए दूसरे देश का मुंह देख रहा है, इससे बड़ा दुखदाई और क्या हो सकता है? और आगे है गोमयवस्ति लक्ष्मी, सर्व औषधि शारम गौमूत्रे धनवंतरी गोमयवस्ति लक्ष्मी। यह जो गोबर है यह गोबर नहीं बल्कि लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी के रूप को बदल दिया गया है, माफ करना मुझे, व्यापारियों ने बदल दिया। आप में से बहुत सारे व्यापारियों, तो माफ करना, जो सत्य है वो सत्य रहेगा। अथर्ववेद स्पष्ट करते हैं कि इस धरती पर लक्ष्मी कुछ है तो वह गोमय है, लेकिन हमने अपने व्यापार के लिए सोना चांदी रुपया पैसा हीरा जवाहरात सबको लक्ष्मी कह दिया और गोमय को भुला दिया। वास्तव में गोमय ही लक्ष्मी है, हमने लक्ष्मी को पहचानना छोड़ दिया। लक्ष्मी मनुष्य जीवन का वह दुर्लभ द्रव्य ही लक्ष्मी है। तो मनुष्य जीवन में दुर्लभता क्या है? सोना दुर्लभता है क्या? हर दुकान में मिलती है। चांदी दुर्लभ है क्या? हजारों दुकानों में मिलती है, तो दुर्लभ कैसे हुआ? कौन सी ऐसी वस्तु है जो दुकान में नहीं मिलता? यानी वस्तु लक्ष्मी नहीं है, दुर्लभ, जिसके बिना 1 मिनट भी हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता, वह दुर्लभ है। और वह है ऑक्सीजन, प्राणवायु। रुपए की गड्डी से घर बना दो, उस घर में बिठा करके खाना भी दे दिया जाए, पानी भी दे दिया जाए और ऑक्सीजन बंद कर दिया जाए, क्या होने वाला है? वही जो कोरोना में हुआ। कोरोना में सब कुछ मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, क्या हालत हुई? रुपया लेके लाइन में खड़े हो गए ऑक्सीजन के लिए, और वो भी मालूम नहीं ऑक्सीजन नहीं क्या था, मालूम नहीं। ऑक्सीजन को कभी भी लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। हो सकता है ऑक्सीजन बन सकता है, लेकिन आयुर्वेदीय ऑक्सीजन जिसको प्राण वायु कहते हैं, ये लेबोरेटरी में नहीं बन सकता। पूरी दुनिया में ऑक्सीजन बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल रही है, 10 वर्ष के बाद दुष्परिणाम देख लेना इसका। प्राण वायु मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता, ऑक्सीजन हो सकता है। लेकिन यहां समझने की दृष्टिकोण से प्राणवायु को ऑक्सीजन कह रहा हूं मैं। तो ऑक्सीजन दुर्लभ है और यह ऑक्सीजन गाय के गोबर में है, इसलिए अथर्ववेद कहते हैं गोमयवस्ति लक्ष्मी, यानी ऑक्सीजन का वास कहां है? गोबर में है। यानी गोबर क्या है? ऑक्सीजन है। तो हमारे पास गाय 3 चीजें दे रही है, सर्व औषधि सारम, दुनिया के सभी औषधियों का सार। और क्या दे रही है? वनस्पति जगत के देव धनवंतरी। और क्या दे रही है? प्राणवायु। अब क्या चाहिए बोलो? जीवन जीने के लिए और क्या चाहिए? अब यदि यहां पर थोड़ी प्रमाणिकता की बात करें तो कर सकते हैं। सर्व औषधि सारम क्यों कहा गया गाय के गव्य को, गाय के क्षीर को? तो देखो, आज जिस मॉडर्न साइंस के बलबूते हम अपने आप को इतना विज्ञानी समझ रहे हैं, इतना डेवलप्ड समझ रहे हैं, विकासशील कह रहे हैं, उसका पूरा थ्योरी
प्रोसेस लॉस पर टिका हुआ है। माताओं के लिए विशेष रूप से कहूंगा मैं कि आप जब बाजार से एक किलो गेहूं लाती हो और उसको जब अपनी चक्की में पीसती हो तो आपको एक किलो आटा मिलता है क्या? एक किलो गेहूं से नहीं मिलता ना। इसी थ्योरी को कहते हैं प्रोसेस लॉस की थ्योरी, यानी किसी भी वस्तु का प्रोसेस कीजिए तब उस वस्तु में एक प्रत्यक्ष कमी होती है, प्रत्यक्ष कमी होती है, दिखने वाली कमी होती है। और इसी सिद्धांत पर पूरा डिस्ट्रक्टिव साइंस खड़ा है। लेकिन गाय का विज्ञान इससे परे है। कभी भी गाय के विज्ञान में, गाय के द्रव्यों में, गव्यों में कभी भी प्रोसेस लॉस की थ्योरी का एप्लीकेशन नहीं होगा। और इसीलिए कहा गया सर्वे औषधि सारम। आपने देखा कि गाय को आप एक कैलोरी खिला रहे हो, 10 कैलोरी दे रही है, नो प्रोसेस लॉस। जितना प्रोसेस करोगे उतना उसमें बढ़ोतरी होते जाएगा, उतना बढ़ेगा। इसका एक सरल परीक्षण है, क्योंकि जब तक परीक्षण की बात नहीं करो, जब तक आपको कागज वाला रिपोर्ट नहीं मिल जाएगा तब तक मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि साइंस वही कहता है जी प्रूफ, हर चीज का प्रूफ। इसलिए प्रूफ जान लो कि अपनी गैया का 1 लीटर दूध लेना और उसका न्यूट्रिशन चेक कर लेना कि कितना है उसमें, और उसी गैया के दूध का एक प्रोसेस करना जिसको कहते हैं दही बनाना। दही बना लो आप और फिर इस दही को आप लैब में जाकर के टेस्ट करो, आप पाओगे दूध के मुकाबले न्यूट्रिशन वैल्यू कई गुना बढ़ गया और कभी कभी 20 गुना भी बढ़ जाता है। प्रोसेस हुआ लेकिन क्या हुआ, बढ़ गया। और इसी दही को आप मत दो, मक्खन निकाल लो, मक्खन बोनस में मिल गया, बचा क्या छाछ, इस छाछ का न्यूट्रिशन वैल्यू आप कर लो फिर बढ़ जाएगा। आप गाय के किसी भी गव्य को प्रोसेस 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 करते जाओ बढ़ता ही जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने चिंता नहीं की गाय के दूध की क्वांटिटी की, क्योंकि अक्कल का काम यही है कि दूध के बदले दही खाइए, और उससे भी बड़ा अक्कल का काम है कि दही के बदले छाछ पीजिए, क्योंकि दूध के मुकाबले छाछ 400 गुना बेहतर है, 400 टाइम्स बेटर है। आपके घर में जो दादाजी लोग बचे हुए ना, इनके सामने 2 गिलास रख दो दूध का और छाछ को, विज्ञान उनको नहीं मालूम लेकिन उठाएंगे पहले छाछ को, दूध बोलेंगे बच्चों को दे दो, है ऐसा? मालूम नहीं विज्ञान, लेकिन ये विज्ञान परंपरा से हम जानते आए हैं कि दूध के मुकाबले छाछ बहुत बेहतर है, क्योंकि कई बार प्रोसेस हो चुका है, दूध से दही बना, दही में मंथन की क्रिया हुई, मक्खन निकल गया, उसके बाद बचा हुआ हुआ, और इतना ही नहीं 3 गुना बढ़ भी गया, क्योंकि दही में 2-3 गुना पानी मिला करके ही मथते हैं, सीधे दही को नहीं मथते, सीधे दही को मथते हैं पंजाब से ऊपर के भूगोल में, पंजाब जम्मू कश्मीर का जो भूगोल है उस भूगोल में क्रिया है बिना पानी मिला करके मंथन करने का। भारत में छाछ बनाने के दर्जनों नियम है, हाँ आप कन्याकुमारी से शुरू करो, कश्मीर तक चले जाओ, 1 दर्जन नियम मिलेंगे आपको छाछ बनाने के, और सभी नियम ठीक हैं अपने अपने भूगोल की तासीर के हिसाब से। आपका जो गुजरात का भूगोल है, पूरब से लेकर के पश्चिम वाला भूगोल, इसमें 2 तरह की क्रियाएं हैं, 2 गुना पानी मिलाकर मथने की क्रिया है और 3 गुना पानी मिलाकर के मथने की क्रिया है। इसमें से कोई भी आप ले लो तो 1 लीटर दूध 3 लीटर छाछ में बदल गया, मक्खन बोनस में मिल गया, तो ज्यादा दूध की जरूरत कहाँ है? इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ज्यादा दूध वाली गाय के पीछे वो भागे नहीं, वो अपने अपने भूगोल की गाय का संवर्धन उन्होंने किया।
आपके भूगोल में कौन सी मूल प्रजाति है उसी को रखा, क्योंकि विज्ञान मालूम था दूध का कोई बड़ा महत्व नहीं है, अक्लमंदी तो छाछ पीने में है। तो एक गृहस्थी में अगर गाय, आपके यहाँ की तो बहुत संवर्धित गाय है, हमारे यहाँ की जो गाय है तमिलनाडु की गाय जो है, तमिलनाडु में 15वीं 16वीं शताब्दी में 16 प्रजाति की गायें थी। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे प्रदेश में सभी 16 प्रजातियां विद्यमान है। आपने गायों का संवर्धन किया, बचाया, संख्या ज्यादा है लेकिन 8 मूल प्रजातियों को नष्ट किया है। हमारे यहां बहुत गौ हत्याएं हुई है, आज भी हो रही है, लेकिन तमिलनाडु के लोगों के दिल में गाय का प्रेम इतना ऊंचा है कि अभी भी वो 16 प्रजातियों को बचा करके रखे हुए हैं। और कोई ऐसी प्रजाति नहीं जो 2 लीटर से ज्यादा दूध दे, 1 लीटर हो जाती है। गाय 8 से 10 घंटा खाने के बाद भी उसको कोई बीमारी नहीं होती है। इसका मतलब हम ग्रहण करने के लिए खाते हैं और गाय विसर्जन करने के लिए खाती है। गाय दिन भर जो खाती है क्या खाती है? वनस्पति। अगर आप इसको जंगल में, गोचर में, खेतुड़ के यहां छोड़ दो आप, तो क्या खाती है? वनस्पति। वनस्पति मिले तब उसको दूसरी चीजें पसंद नहीं है। वनस्पति दिन भर खाने के बाद घर लौट के आती है, घर में बैठ जाती है और तभी क्रिया करती है, पागुर की क्रिया, रवंत जवंत जो भी आप अपनी भाषा में कहते हो, यानी उसको जुआली चबाने की क्रिया। ये चबाने की क्रिया गाय के शरीर में अद्भुत है और यहीं से ऊर्जा का संचय होता है। गाय के शरीर में 2 सिंह है और आप देखोगे अलग अलग भूगोल की गाय में सिंह की आकृति बदलते जाती है। गाय एक ही है, उसकी बनावट में थोड़ी भिन्नता है, उसमें सिंह अलग अलग है। यह सीधा उस धरती के भूगोल से संबंधित है। उसके पीछे बड़ा विज्ञान है कि किस भूगोल की गाय का सिंह कैसा होगा। उसके मध्य से एक नाड़ी शुरू होती है और उसके पुट्ठे से होते हुए, पीठ से होते हुए पूंछ तक जाती है। यह बहुत ही सूक्ष्म नाड़ी है जिसका नाम है सूर्य केतु नाड़ी। आपने नाम सुना होगा सूर्य केतु नाड़ी वाली गाय, यानी भारतीय नस्ल की गाय। यह सूर्य केतु नाड़ी नाम क्यों है और इसका काम क्या है, यह समझ लो तो आगे का सारा विज्ञान समझ में आ जाएगा। सूर्य सौर्य मंडल के मध्य में है और केतु सौर्य मंडल के सबसे अंतिम ग्रह है। पृथ्वी पर या किसी भी ग्रह पर या किसी भी उपग्रह पर सूर्य की सीधी किरणें आती है, जैसे पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती है, वैसे ही सारे ग्रहों पर भी सूर्य की किरणें जाती है, सारे उपग्रहों पर भी सूर्य की किरणें जाती है और सारे ग्रह उपग्रह रिफ्लेक्टर हैं, परावर्तन करने वाले हैं। इनका सतह किसी भी ऊर्जा को परावर्तित कर देती है। जैसे सबसे नजदीक चंद्रमा है तो आप रात में देखोगे कि सूर्य की किरणें चंद्रमा पर जाती है और वहां से परावर्तित होकर के हम तक पहुंचती है चांदनी के रूप में। ये चांदनी कुछ और नहीं, सूर्य की किरणें हैं, लेकिन सूर्य की तेज किरणें शीतल हो गई है क्योंकि चंद्रमा का सरफेस शीतल है। सूर्य का प्रकाश किसी भी सतह पर जाएगा तो वहां से उस सतह के चीजों को लेकर के लौटेगा, उसके करैक्टर को लेकर के लौटेगा। तो चंद्रमा का करैक्टर शीतल है, इसलिए सूर्य की किरणें गई चंद्रमा पर तब यही तेज किरणें शीतल बन करके हम तक आती है। और ऐसी ही क्रियाएं सौर्य मंडल के सारे ग्रह उपग्रह सबके साथ है। मंगल पर सूर्य की किरणें जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के धरती पर आती है। सूर्य की किरणें जुपिटर पर जाती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आती है। सैटर्न पर जाती है, मरकरी पर जाती है, सब कुछ लौट करके आती है पृथ्वी पर। और पृथ्वी भी रिफ्लेक्टर है, यहां भी सूर्य की किरणें आती है और रिटर्न होकर के सारे ग्रहों पर जाती है।
तो सूर्य की किरणें जो प्रत्यक्ष है और सूर्य की किरणें जो अप्रत्यक्ष है, दो तरह की किरणें हैं सूर्य से निकलने वाली। अब यहां पर मैं अपने पुराने विज्ञान को लेकर के चलूंगा क्योंकि मॉडर्न साइंस को इसकी समझ नहीं है और उसमें है भी नहीं। मॉडर्न साइंस तो केवल ये कहता है सूर्य की किरणें उसमें सात रंग हैं, इसके आगे कुछ नहीं। किरणें अल्ट्रा वायलेट है और एक दो उपमा होगा और उसके आगे कुछ नहीं। हमारे वेद स्पष्ट करते हैं सूर्य की किरणों में 12 चीजें हैं जिसमें अभी तक केवल 9 की व्याख्या हो पाई है। मेरी जो समझ है वो केवल 9 तक है, 3 की समझ मुझे भी नहीं है अभी है, लेकिन है उसमें 12। तो सूर्य की किरणें जिसमें 7 रंग हैं और इसके साथ 2 ऊर्जा तरंगे निकलती है जो हमारे वेदों में वर्णित है, एक प्रज्ञा ऊर्जा है और एक क्रिया ऊर्जा है। ये दोनों प्रकाश पुंज नहीं बल्कि ध्वनि तरंगे हैं। एक प्रज्ञा ध्वनि तरंग के कारण संपूर्ण जीव जगत में चेतना का भाव आता है और क्रिया के कारण जो है वो ऊर्जा आती है। जीव जगत क्रियाशील होता है, वनस्पति जगत भी एक जगह स्थायी रह करके क्रियाशील होता है। इन्हीं दो ऊर्जाओं के कारण यह जो हमारी गाय है, इसका जो सूर्य केतु नाड़ी है, इसका यही गुण है प्रज्ञा ऊर्जा का अवशोषण करना। इसका काम है चंद्रमा की चांदनी के गुण को अवशोषित करना। सूर्य की किरणें जो मार्स जुपिटर मरकरी सैटर्न से जो रिटर्न होकर के आ रहा है उसको ऑब्जर्व कर लेना, संग्रहित कर लेना, ये काम है सूर्य केतु नाड़ी का। सूर्य से लेकर केतु तक जितने ग्रह उपग्रह हैं उन ग्रह उपग्रहों की प्रावर्तित किरणों का अवशोषण करने का काम सूर्य केतु नाड़ी का है जो मात्र गाय के पास है, किसी के पास नहीं। पूरी सृष्टि में केवल गाय के पास है। प्रज्ञा ऊर्जा का अवशोषण केवल गाय कर सकती है, क्रिया ऊर्जा का अवशोषण भी गाय कर सकती है लेकिन उतनी नहीं। और दूसरा जीव है धरती पर अश्व घोड़ा जो क्रिया ऊर्जा का अवशोषण करने वाला है, प्रज्ञा का कम करने वाला है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने गौशाला अश्वशाला हर जगह स्थापित किया। किसी भी राजतंत्र में आप चले जाओ, किसी भी पुराने खंडहर राजमहल में चले जाओ, आपको 2 शालाएं मिलेगी वहां पर, गौशाला और अश्वशाला। क्योंकि इस धरती के 2 जीव अद्भुत हैं, इनका मुकाबला नहीं हो सकता। अश्व जो क्रिया ऊर्जा का शोषक है और गाय जो प्रज्ञा ऊर्जा की शोषक है, यानी आपके पास अश्व और गाय दोनों यदि है आपके पास तो आपके पास चेतना के साथ बल है, और बल है और चेतना नहीं है तो आप अपराधी बन सकते हो, लेकिन बल है और चेतना है तो आप ऊंचा संत उत्कृष्ट राजा बन सकते हैं। मैं इन दोनों भाइयों की बुद्धि का दांत देता हूं कि इन्होंने गाय के साथ अश्व को मिलाया है, इन्होंने क्रिया और प्रज्ञा दोनों को पहचाना है। तो गाय वो जीव है जो सूर्य की उन ऊर्जाओं को ग्रहण करती है जिसमें चेतना का भाव है, और सारे ग्रहों उपग्रहों की अदृश्य ऊर्जा का शोषण करती है, और जब दिन भर चरने के बाद जब घर में आके बैठती है तब ज्वाली करती है, यानी खाए हुए को फिर से मुंह में ला करके चबाने की क्रिया में सारी ऊर्जाओं को बूंद बूंद गिराती है, उसमें मिश्रित करती है उसमें। और जब तक उसके चारा में ये सारी ऊर्जाएं मिश्रित नहीं हो जाए तब तक पाचन क्रिया प्रारंभ नहीं होती गाय के शरीर में, इसीलिए वो वनस्पतियों को फिर से रीग्राइंडिंग करके ये सारे प्लेनेट की ऊर्जा को मिला करके पाचन तंत्र में भेजती है, और तब जाकर के उनका पाचन तंत्र इन पूरे जो है ऊर्जा मिश्रित जो वनस्पतियां हैं इनको 3 खंडों में स्प्लिट करती है, तोड़ती है।
उसमें से मधुर रस को निकालती है जो हमें क्षीर के रूप में मिलता है। इसीलिए क्षीर के बारे में कहा गया सर्व औषधि सारम। इसमें मंगल की ऊर्जा है, बृहस्पति की ऊर्जा है, इसमें बुध की ऊर्जा है, शनि की ऊर्जा है, केतु की ऊर्जा है, राहु की ऊर्जा है, शुक्र की ऊर्जा है और सौर मंडल के सारे सब प्लैनेट उपग्रहों की ऊर्जा है। वनस्पति तो है ही, लेकिन इन वनस्पतियों में ग्रह और उपग्रहों की ऊर्जा है। इसलिए कहा गया सर्व औषधि सारम। इस सौर मंडल का सारा अंश, सारा सत्व अगर कहीं है तो गाय के क्षीर में है। और गौमूत्र क्या है? धनवंतरी, यानी मधुर रस निकलने के बाद उसमें जो कसाय रस बचता है, औषधीय गुण वाला जो रस बचता है वो गौमूत्र है। इसलिए कहा गया गौमूत्र धनवंतरी, इसमें तो पूरा धनवंतरी है। मधुर रस निकल गया, कसाय रस निकल गया, इसके बाद बचता है भूमि तत्व जो गोमय के रूप में निकलता है और उसमें सबसे ज्यादा कुछ है तो लक्ष्मी अर्थात प्राण वायु। आप अपने भरूच के किसी भी देशी गाय के गोबर को आप ले लो, गोबर पहचानने का नियम आपको बता दिया कि गाय जब गोबर देती है तो ग्राउंड मत होने देना, एक हथेली पे ले लो दूसरे पर डाल दो, चिपक गया मतलब वो गोबर आपके काम का नहीं है, यानी औषधीय गुण वाला नहीं है, कुछ गड़बड़ी है। यदि आप एक हाथ से दूसरे पर पलटते हो और गोबर नहीं चिपकता है तो वह भक्षण करने योग्य है, खाने योग्य है। ऐसे गोबर का आप रासायनिक विश्लेषण किसी भी भारत सरकार के लेबोरेटरी में जाके कर लो, आप पाओगे 23% ऑक्सीजन। आपके वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन है? भरूच में बहुत तो होगा तो 15%, इससे ज्यादा तो नहीं है। बड़े शहरों में चल जाओ 11-12% से ज्यादा नहीं होता। हमारे शरीर का डिजाइन भगवान ने यानी प्रकृति ने कैसे किया है, हमारे फेफड़े की डिजाइन कैसी बनाई है, ऐसा वायु ग्रहण करने के लिए जिस वायु में कम से कम 20.8% ऑक्सीजन हो तब तो ये शरीर ठीक ठीक चलेगा। डीजल से चलने वाली गाड़ी में आप पेट्रोल मिला के चला दो या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल मिला के चला दो, क्या हालत होने वाली है? हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन से चलने वाली गाड़ी को कार्बन डाइऑक्साइड मिला के चला रहे, तो बीमार तो पड़ना ही पड़ेगा। ये गाड़ी कैसे चलती है? ऐसी वायु से जिस वायु में 20.8% प्राणवायु हो, ऐसी वायु से चलने वाली गाड़ी को हम क्या दे रहे हैं? ऐसा वायु दे रहे हैं जिसमें 14-15% ऑक्सीजन है, तो बीमार तो पड़ना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता, कितना भी जैविक अनाज खा लो। हाँ, ऑक्सीजन की कमी शरीर में रहेगी और ऑक्सीजन की कमी वाले सारे रोग तो होने ही वाले हैं। लेकिन इसी वायुमंडल में रहने चरने वाली गाय का गोबर ऑक्सीजन को रखता है, गोबर को रखता है, तो ऑक्सीजन की कमी का कोई रोग होता है, आप अथर्ववेद की बात माने तो गाय का गोबर खा लीजिए, संशय नहीं करना, संशय बिल्कुल नहीं करना। लेकिन हमारे स्कूल ने पढ़ा रखा है कि गोबर नहीं खा सकते, ये कुबुद्धि स्कूलों ने दी है, स्कूलों के पाठ्यक्रमों ने पढ़ाई है ये पाठ कि गोबर मल है नहीं खाना, चल भाई नहीं खाना, गोबर को सुखा के गौरी बना लो, चूरन बना लो कपड़े में छान करके, अब तो बदबू गई, अब तो खा सकते, खा लो, 27% ऑक्सीजन है क्योंकि प्रोसेस हुआ है, बढ़ा है, अभी भी बदबू आती है कोई बात नहीं, जला दो इसको, आप राख कर दो, आप इस राख को तो खा सकते, इसमें मालूम है 46% ऑक्सीजन होता है, 46.6% ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की लेबोरेटरी की रिपोर्ट बता रहा हूं जो 2015 में हमने किया, ग्रंथ की बात नहीं कह रहा हूं, इसी मॉडर्न साइंस के प्लेटफॉर्म पर किए गए प्रयोग का कह रहा हूं,
और एक बार प्रोसेस कर दो 55%। इसीलिए जब कोरोना महामारी हुई और ऑक्सीजन की कमी से जब लोग मरने लग गए, तो हमारे 6000 बहादुर गवसिद्धों ने 20,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों पर काम किया और एक को मरने नहीं दिया।